हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लोग चैप्टर 8 का मोशन, क्लास 9 का ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स पढ़ेंगे एसटी ग्राफ्स एंड वीटी ग्राफ्स, जो कि हमारा वी एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक सिंपल एक वो बना देते हैं, ये रहा। पहले हम वीटी ग्राफ को समझते हैं, वीटी ग्राफ क्या होता है। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी यहाँ पर होनी चाहिए, टाइम यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा रहता है ओरिजिन, जो कि हम लोग मालूम है सबके, यहाँ पे मतलब जीरो, यहाँ से हमारा रहता है जीरो, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब होती है चढ़ाई, स्लोप, स्लोप मतलब होती है चढ़ाई, स्लोप, स्लोप जैसे ये स्लोप है चढ़ाई, जो कि हम लोग ने 8 क्लास में है वो पढ़ा है ग्राफ्स में, कि ऐसे होते ग्राफ्स या फिर ऐसे 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 होती है। तो अगर ऐसा रहना तो हम लोग इसको बोलते हैं स्लोप। और स्लोप क्या होता है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, जो कि है सबको मालूम है, ये यहाँ पे हो रही है। अच्छा, तुमको यहाँ पे कुछ वो दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है? अरे यही तो है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। यही तो ये रहा हमारा 90 वो डिग्री का एंगल, ये रहा हमारा 53 डिग्री, ये रहा 37 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा हमारा हमारा ये रहा एक पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग ने 8 क्लास में है वो पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये इसमें करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए 5, 10 फिर 15, यहाँ पे 5, हम लोग पहले यहाँ पे कुछ ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 15, ठीक है। तो ये रही हमारी कुछ वैल्यूज दिए। देखो अगर हम लोग को स्लोप निकालना है मतलब चढ़ाई निकालनी है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो कि 10th क्लास में आती है, लेकिन अब हम लोग अभी जान लेते हैं स्लोप मतलब क्या होता है। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। अब बोलोगे ये क्या है टेन थीटा, टेन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि क्लास 10th में आती है, लेकिन हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। एंगल को होता है ना, इसको एंगल हम लोग थीटा बोलते हैं, एंगल को। जैसे हम लोग एक्स 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 से वेरिएबल्स को एक्स से करते हैं, उसके बाद ये सब इस करते हैं, तो हम लोग वैसे ही थीटा को वो करते हैं वो एंगल से, ठीक है। थीटा मतलब क्या एंगल, थीटा मतलब क्या एंगल। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारे मैथ्स में आएगा, ये हमारे है मैथ्स में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक वो रेशियो, जो कि हमारे मैथ्स में आता है ये रहा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है देखो, पहले मैं यहाँ पे पहले नाम देता हूं वी, और उसके बाद ये रहा हमारा एक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, कुछ याद आया, परपेंडिकुलर ये रहा बेस, ठीक है, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ये रहा हमारा बेस, और ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मुझे मान लो एक स्टेयर है, ठीक है, ठीक है, ऐसी है, तो ये किस पे डिपेंड रहेगा, इसके हाइपोटेन्यूस पे, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो फिर ऐसा है, अगर मैं इसको थोड़ा और ऊंचा कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा, अगर ये ऐसे है इसके परपेंडिकुलर पे, ठीक है, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, ठीक है, अगर इसको और मैं बड़ा कर दूं तो हाइपोटेन्यूस तो और से वो बन जाएगा, और बड़ा कर दूंगा फिर और वो बन जाएगा सीधा, मतलब जो भी रहती है स्लोप ये इसके परपेंडिकुलर पे वो रहता है डिपेंड। अच्छा बताओ, परपेंडिकुलर जो है वो किससे बात करेगा, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो किस चीज पे वो है डिपेंड, अरे वो है डिपेंड। अच्छा बताओ, पर जो है ये परपेंडिकुलर वो एक्स एक्सिस से बात करेगा या फिर वाई एक्सिस से बात करेगा, आराम से वो सोचो, अरे वाई एक्सिस से बात करेगा यार, देखो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, देखो बात करा है ना, अभी ऐसे तो जाएगा नहीं, देखो सीधी है, ये भी है पैरेलल साइड, याद है कुछ क्लास 8 में वो हम लोग ने पढ़ा है ना ट्रेपेजियम, ये रही पैरेलल साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये याद कर लो, बहुत काम आएगी, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे
अगर वीटी ग्राफ का अगर स्लोप निकाले तो हमें क्या मिलेगा बताओ, बोलो 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 जल्दी बोलो, तो बोलते भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिलेगा हम लोग को अगर हम वीटी ग्राफ अगर निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर यहाँ से मैंने कुछ डाल दी, जैसे मान लो वैल्यूज डाल दिए, जैसे 15 है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 15 माइनस 5 परपेंडिकुलर देखो पहले क्या अपना, अगर मुझे स्लोप निकालना है इसका तो पर स्लोप क्या होता है 10 थीटा, 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दे, परपेंडिकुलर को बेस से वो कर दे, वो डिवाइड कर दे, परपेंडिकुलर क्या है 15 माइनस 5, देखो 15 माइनस 5, ठीक है, और फिर ये क्या है बेस क्या है, अरे बेस ये है एक्स एक्सिस देख ले यहाँ पे 15 माइनस 5, ठीक है, ये कट गया पूरा, आ गया वो आंसर आ गया 0, ये 0 तेरा क्या आया है, ये तो आया 0 तेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ये बेटे, एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्या बोलते यार मुझे, ठीक है। अभी हम लोग निकालेंगे एरिया, एरिया क्या होता है, ये रहा हमारा वीटी ग्राफ, अभी जैसे ये ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, एरिया हम लोग इसको बोलते हैं, एरिया मतलब क्या, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस साथ डिवाइड कर दो, देख कैसे, ये देख ऐसे जो एक्स एक्सिस है उसको वाई एक्सिस साथ डिवाइड कर दे, अगर अगर हम वीटी ग्राफ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर वो डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, एक बात बताओ, v वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, t को यहां पे जाके आ जा v t इक्वल्स टू s, तो हम अगर vt ग्राफ का अगर निकालेंगे एरिया तो हमें क्या मिलेगा, अरे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर को इससे डिवाइड मतलब इनटू को वो कर देंगे, परपेंडिकुलर को बेस से इनटू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा फिर, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी भाई, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ले इस वैल्यू, ठीक है 15 20, यहाँ पे सर 2 लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है, यहाँ पे 20 माइनस 5 बाय यहाँ पे 8 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 6 से काटेंगे 2.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 2.5 आ जाएगा, ठीक है 2.5 आ जाएगा, ये 2.5 क्या है अपना मीटर आया, ठीक है, याद रखना मीटर 2.5 जो है मीटर है अपना, ठीक है, तो ये रहा मीटर, ये रहा हमारा एसटी टाइम ग्राफ, ये रहा, इसको चाहे तो वो नोट कर लो, सब्सक्राइब भी अब कर दो।